University of Toronto, Canada, Vishwa Hindi Sansthan Culture Organization Canada evam Global Hindi Sahitya Shodh Sansthan Bharat ke Sanyukt Tatvavadhan mein Canada mein aayojit 5 divasiya Antarashtriya Hindi Sahityak Sammelan mein Shimla ki Kanchan Sharma ko Vishwa Hindi Satyarthi Samman se sammanit kiya gaya. Sammelan mein jahan Kanchan Sharma ne Hindi ka vaishvik paridarshya vistar va sambhavnaye par shodh patr padha, wahin kavi sammelan mein kanya bhrun hatya par samvedanshil kavya पाठ किया. कंचन शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने चाहिए. अभी अभी मैं कनाडा से होकर आई हूँ, जहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया. ये विश्व हिंदी सम्मेलन ग्लोबल साहित्य शोध संस्थान भारत, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा की संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जहां भारत सहित अमेरिका, कनाडा के भारतीय, कैनेडियन, मॉरिशस, इंग्लैंड से बहुत सारी जगहों से हिंदी प्रेमी और साहित्य से भी एक साथ एक ही मंच पे इकट्ठे हुए थे. इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही जो मुझे अच्छी लगी बाहर जाके, कि हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पूरे देशों में आज हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है. और इसका एक लोगो था कि विश्व में हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि जब भारत में हम सो रहे होते हैं तो कनाडा में कोई हिंदी बोल रहा होता है, कनाडा में अगर रात हुई है तो मॉरिशस में कोई हिंदी बोल रहा होता है. लेकिन सबसे दुख की बात जो मुझे ये लगी कि आज इतने वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए हमारे देश से ब्रिटिशर्स चले गए हैं, हम गुलामी की जंजीरों से निकल गए हैं, लेकिन हिंदी की गुलामियत को हम नहीं छोड़ पाए हैं. मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है, हमारा सभी भाषाओं पे आधिपत्य होना चाहिए. ये हमारी विद्वता की निशानी भी है. हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए, फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मन आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज, उस पर हमारा आधिपत्य हो सकता है. लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जो हमारी अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, हमें उसे बोलते हुए स्वयं को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए. और अगर हिंदी को लेके भारत में कोई समस्या है तो यही है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो उनका बोलबाला ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वो हिंदी बोलते हैं तो वो अंग्रेज़ी बोलने वालों से कमतर हैं. जबकि मैं ये बिल्कुल नहीं समझती हूँ. मेरा ये मानना है कि जो ज्ञान है वो भाषा से हमेशा ऊपर होता है, और अगर हिंदी भाषी अधिक नॉलेजेबल है, अधिक इंटेलिजेंट है, तो इंग्लिश बोलने वाले से मैं उसको ज़्यादा आगे मानती हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला.